इसके अंदर कलर है, तो अभी आप देखना खाली ये बलून कैसा मस्त बनेगा। देख सकते हो इसमें कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन या ब्लू जो भी है ये कलर। तो अभी मैं लगा रहा हूँ बड़े वाला बलून। ओ हो, वाह वाह वाह, तो साइज भी बहुत बड़ा ही वाला बलून का। तो देखो ये नॉर्मल बलून था और ये कलर वाला बलून आ रहा है अभी, देख सकते हो पूरे में कलर हो गया। नमस्कार, सत्या वड़कम केम छोटो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ अमरावती। तो आज 18th of March यानी मंडे, मैं कल गया था कालीपुर मार्केट होली की शॉपिंग करने। मेरी लाइफ में इससे सस्ती होली की शॉपिंग मैंने आज तक नहीं करी। तो 150 रुपीज के बजट में मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज लाया हूँ, कलर, बलून, गुलाल, जो भी यूज होता है। कल फ्लैशबैक में जाओ और देख लो मैंने क्या क्या लिया था मार्केट से। तो अभी हमने ये दो लिए 500 के, और आपको कौन सा कलर? ये 500, और ये 500 लिया हमने, 65 रुपये किलो वाला। दिखा दो ना अभी क्या क्या लिया है, एक हमने बता दो एक बार। ये लिया है 65 रुपये किलो 500 ग्राम, और जो दूसरे दो दिखा दो, और 20 रुपये किलो वाला ये तुमने 500 ग्राम, और वो भी 500 ग्राम, ये भी 500 ग्राम। टोटल आपको हो गया किलो किलो, हाँ ये किलो और ये आधा किलो। तो ये 3 पैकेट बलून लिए हमने, और ये एक लिया है बड़े वाला, इसमें 500 पीस बलून है और थोड़ी साइज बड़ी है। तो इधर से स्नो स्प्रे भी लिया है, एक ब्लू कलर का और येलो कलर का, 30 रुपये का है ना, 30 रुपये का स्नो स्प्रे। कौन सा है उसमें फिर? पर्पल है। पर्पल दे दो, पर्पल दे दो। तो ये लिया है दो, 30-30 रुपये का। पक्का कलर है, साबुन से जाता है, साबुन से जाता है। पक्का कलर कौन सा है? पक्का कलर इसमें साबुन से सभी जाते हैं, साबुन से सभी चले जाते हैं। अच्छा ऐसा, हाँ तो ये 100 ग्राम करो। इसमें ब्लू कलर है, इसमें जामनी कलर है, वो क्या होता है? बना के दिखा कर दो। तो ये एक पिचकारी ली है इसने, 250 रुपये ना इसका, 250। ये चेक हो जाएगी, चेक हो जाएगी, लीक वीक तो नहीं है ना? लीक भी होने पर थे बेटा, रिप्लेस हो जाएगी। हाँ, कोई लीक वीक नहीं निकले। ठीक है, चलो। The next day. आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी चीजें 150 रुपये में तो नहीं हो सकती है, तो हाँ सही बात है, इसमें आधी चीजें मेरे भाई की है तो उनको हटा देते हैं। तो ये चीजें है, नहीं एक मिनट, ये चीजें हैं जो मैंने ली है 150 रुपये में। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। ओके, तो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो देख लो, ये एक है स्नो स्प्रे, मतलब पर्पल कलर का लिया है मैंने, ये मेरे को पड़ा 30 रुपीज का। अच्छी चीज है, मतलब टाइम पास के लिए, चलो इसको रख देते हैं। ये लिए है हमने थोड़े हर्बल गुलाल के पैकेट, ये 5 रुपीज ईच है। ये रेड है या पता नहीं ऑरेंज, पता नहीं कौन सा कलर है, और ये है ग्रीन, ठीक है, इनको भी रखते हैं साइड में। फिर उसके बाद इनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मेरे को एक्चुअली पता नहीं, पर ये मतलब थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते कलर के, इनको हमें पानी में डालना होता है तो ये डिजोल्व होकर कलर बन जाता है। इसको आप बलून्स में डाल सकते हो या पिचकारी में यूज़ कर सकते हो। दूसरा नॉर्मल गुलाल जो होता है वो लिया है मैंने पर्पल और ब्लू कलर का, ये दोनों 500 ग्राम्स है, ये मेरे को 20 रुपीज़ का पड़ा है, मतलब 20 रुपीज़ केजी, ये 500, ये 500, 20 रुपीज़ का ये गुलाल। और हाँ इसकी कॉस्ट बताना भूल गया मैं, ये भी 20 रुपीज का, इसमें 12 पैकेट्स है, इनफ होता है, मतलब ये इतना बहुत है पूरी होली चलाने के लिए, ये पानी में डालने के लिए कलर। उसके बाद है मेरी फेवरेट चीज़ बलून्स, ये थोड़े बड़े साइज़ के बलून हैं और ये थोड़े छोटे साइज़ के, ये 25 रुपीज़ का पैकेट है और ये 50 रुपीज़ का पैकेट है, इसमें 500 पीसीज है, इसमें भी 500 है, पर इसमें लगता नहीं है, इसमें तो होते हैं 500। तो एक चीज ट्रिक बताता हूँ मैं आपको अभी इनके साथ करने की, एक और चीज़ है पहले वो देख लो फिर वो ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे खतरनाक चीज़, तो ये मतलब मैंने लिया है मार्केट में से, वो बोल रहे थे कि ये है तो पक्का कलर, अभी कितना पक्का है वो तो लगाने पे ही पता चलेगा। तो मतलब इसको क्या करना होता है, हाथ में लेना होता है, थोड़ा पानी डालो और आपका कलर रेडी होता है। तो ये मेरे को पड़ा है मतलब 20 रुपीज़ पर पैकेट, मतलब दोनों का 40 रुपीज़, ये 100 ग्राम्स है, 200 रुपये किलो था। तो इनको भी रखते हैं साइड में, और अभी बात आती है बलून्स की। काम करता हूँ पहले तो आपको मतलब दोनों बलून ऐसी बना के दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा बनता है और ये कितना बड़ा बनता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है।
तो उसके लिए हमें बाहर जाना होगा। चलो तो ये है वो दो क्वालिटी के बलून जो ये थे 50 रुपीज़ के 500 पीसेस और ये 25 रुपीज़ के 500। तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें 500 होएंगे, 200 जितने ही होंगे मेरे हिसाब से। तो ये वाले की साइज़ देखो आप, ये कितना बड़ा है और ये कितना है, ऑलमोस्ट इसका आधा बनेगा ये जब भी बनेगा। तो हम चलते हैं बाहर और ये बना के देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये बड़े वाला ही अच्छा। वैसे पहले बड़े वाला बनाते हैं। ये बड़े वाला बलून लगाया हुआ है मैंने फ़िल्टर में, इसको लगाते हैं नलके में। ओहो हो, इसकी साइज़ देख रहे हो भाई, मेरे को नहीं लगता इसके छोटे वाला आधा भी होगा। गांठ बांध लो इतने, देख लो कितना बड़ा बलून है। और अभी एक छोटे वाला बनाते हैं। ये लिया है मैंने छोटे वाला बलून, अभी इसको बनाते हैं। वाह वाह, बस ये देख लो साइज देख रहे हो इतना छोटा है ये तो। अभी गांठ बनने पे और छोटा हो जाएगा, देख लो ये कितना मोटा बड़ा बलून है और ये कितना छोटा सा पतला सा भी लग रहा है इसका। ये तो देख लो मेरे हिसाब से तो अभी भी बड़े वाले बलून अच्छे ज़्यादा। तो अभी आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ जिससे आप कलर वाले बलून इजीली बना सकते हो। तो एक बार वापस घर के अंदर चलते हैं। तो वो तो आपने देखा कि नॉर्मल बलून कैसे बनते हैं। तो अगर अभी आपको कलर वाले बलून बनाने हैं तो उसके लिए आपको चाहिए ये बलून और ये जो पानी का कलर होता है। तो इसमें मेरे पास अभी दो कलर है, पिंक और ग्रीन। तो मैं ग्रीन कलर लूँगा क्योंकि वो आपको ईजिली थोड़ा वीडियो में दिख सकेगा। तो मैं इसको पहले डाल के एक और फिर ये डब्बा ले लो जो ऐसे ही होते हैं रेस्टोरेंट के, उसमें कलर डाल दो पहले तो। तो ये कलर है, मतलब देख सकते हो ऐसे पूरे पार्टिकल जब ये पानी में जाएगा तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा। फिर ये ले लो एक फिल्टर जो होती है, उसमें अपना बलून लगा लो। मैं येलो कलर लेता हूँ तो वो आपको इजीली थोड़ा दिखेगा उसमें कलर। ये लगा लिया आपने इसके ऊपर बलून। फिर ये एक डिस्पोजेबल चम्मच लो, ये इससे कलर लो, समझो आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो ज़्यादा डालो, कम चाहिए तो कम डालो। ये इसमें जाने दो अंदर। देख लो इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन है नीचे, ये पूरा कलर है। अभी आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नलके में डालना है और पानी चालू करो और आपका कलर वाला बलून रेडी है। मैं एक छोटे वाले के साथ भी करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा था तो आपको छोटे वाले से उसमें थोड़ा कम डालना क्योंकि इसमें बड़ा है तो इसमें चलेगा पर वो फट जाएगा अगर ज़्यादा कलर डालोगे तो। तो ये छोटे वाला बलून लिया है मैंने, तो वापस वही थोड़ा सा कलर लो, डाल दो अंदर। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों को बना के, मतलब इनमें पानी भर के ये कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। चलो तो ये अभी हम पहले इसमें बनाते हैं, छोटे वाला बलून बनाते हैं। इसके अंदर कलर है तो अभी आप देखना खाली ये बलून कैसा मस्त बनेगा। देख सकते हो इसमें कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन या ब्लू जो भी है ये कलर। तो इसको गांठ बांध लेते हैं। तो गांठ बांध लिया मैंने, देख लो ये कैसा ग्रीन या ब्लू कलर बोल सकते हो अंदर दिख रहा है आपको बलून के। अभी येलो कलर में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो मैं अभी ये बड़े वाला जो बलून है वो बना रहा हूँ। तो अभी मैं लगा रहा हूँ बड़े वाला बलून। ओहो, वाह वाह वाह, इसका तो साइज़ भी बहुत बड़ा ही वाला बलून का। तो ये देख लो भाई, ये है बड़े वाला बलून। इसकी तो यार साइज़ ही बहुत अच्छी है यार। मैं तो अभी भी बोलूँ ये बड़े वाले साइज़ के ही बलून अच्छे, भले थोड़ा रेट ज़्यादा हो पर ठीक है वाला। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये देख लो, ये दोनों मेरे कलर वाले बलून हैं और अभी मैं आपको वो नॉर्मल बलून दिखाता हूँ। तो ये बड़े वाले में ये नॉर्मल बलून है, ये देखो ये कैसा नॉर्मल ऑर्डिनरी बलून लग रहा है। और ये है ना अच्छा कलर वाला बलून, देखने में भी अच्छा, मारने में भी अच्छा। छोटे वाला भी देख लो, ये छोटा है जो कलर डाला हुआ है जिसमें, और ये भी छोटा है जो नॉर्मल है। देख लो ये पहले से ही ब्लू था, इसको हमने ब्लू कलर बना दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको मारने पे ये कैसे फूटते हैं। देखो ये नॉर्मल बलून था और ये कलर वाला बलून आ रहा है, अभी देख सकते हो पूरे में कलर हो गया। अभी इतना इसमें नहीं दिख रहा है पर फेंकोगे तो कलर बन ही जाएगा उसका। अभी ये छोटे वाले अभी फेंक के ख़त्म करते हैं, ये बिना कलर वाला है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसे कलर वाले बलून बनाने हैं तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो अंदर ज़्यादा कलर डालो और कम चाहिए तो थोड़ा कम डालो। तो आपके ऊपर है आपको कैसा बलून चाहिए।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। एंड हैप्पी होली।